हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी चैनल। दोस्तों, एफएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये वीडियो लेकर आया हूं यूपीएस एसएससी के थ्रू जूनियर असिस्टेंट के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कन्फ्यूज़न में पड़े हैं कि टाइपिंग करें या ना करें, और करें तो किस फॉन्ट पे करें, और उनके मार्क्स थोड़े कम हैं तो वो लोग डाउट में हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक टाइपिंग हम स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग टाइपिंग कर ही नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से उनके डाउट मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जिससे वो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। और दोस्तों, आप यदि इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नई नई अपडेट मिलती रहेगी वैकेंसी के बारे में, और भी बहुत सारी जानकारियाँ इस पे उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट का पेपर 4 जनवरी को करवाया गया था, जिससे आपको ये पता है। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आए तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि आप टाइपिंग नहीं कर रहे हैं तो टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, और यदि मार्क्स आपके कम हैं, जैसे कि इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और उनके मार्क्स 40+ आ रहे हैं, ओबीसी के हैं 38+ हैं, एससी के हैं 35+ हैं, और एसटी के हैं 33+ हैं, तो ये सारे स्टूडेंट अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये लोग वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। तो दोस्तों, रिजल्ट का वेट मत कीजिए, क्योंकि जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है वो रिजल्ट बहुत तेजी से प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि वीडियो का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। और इसके पहले जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था 2016 की वैकेंसी थी, तो उसका भी टाइपिंग डेट 18 तारीख से स्टार्ट है, तो वो भी लोग टाइपिंग दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, और भी जितने भी रिजल्ट रुके हुए हैं उनके रिजल्ट दिए जाएंगे, जैसे लोअर के हुए या फिर जूनियर असिस्टेंट के हुए, तो इन सब के रिजल्ट जो भी रुके हुए हैं वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं कि हिंदी की जो टाइपिंग है वो किस फॉन्ट पे करें, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन में कुर्ति देव या फिर मंगल मांगा था कि इन्हीं दो फॉन्ट में से किसी एक पे आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट होगा कि आप मंगल पे टाइपिंग कीजिए, क्योंकि यदि मंगल पे आप टाइपिंग करते हैं तो इससे अदर जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का वैकेंसी जो होती है जूनियर असिस्टेंट की, तो उस पे भी आप प्रिपेयर रहेंगे, और यदि आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो उस पे भी आप लोग टाइपिंग कर लेंगे, और इसमें भी आपको बेनिफिट होगा। और इंग्लिश की टाइपिंग की बात तो आप जानते ही हैं, इंग्लिश सबका एक ही जैसा होता है, तो सबसे बेस्ट फॉन्ट जो है वो मंगल होगा। मंगल पे आप आसानी से सीख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप कोचिंग के माध्यम से सीखते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो दोस्तों सबसे बेहतर वे यही होगा, क्योंकि कोचिंग पे जो होता है वो आपको डेली प्रैक्टिस भी करवा देते हैं, जिससे आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहती है, और वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो जो भी स्टूडेंट की हेजिटेशन होती है या फिर जो भी कन्फ्यूज़न होती है वहाँ पे क्लियर हो जाती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं हिंदी में जो वहाँ के कोचिंग के जो वो टीचर होते हैं उन्हीं को पता होता है, तो जिससे आप अच्छे से वहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यदि आप सेल्फ टाइपिंग तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी कमियाँ जो होती हैं आप नज़रअंदाज करते हैं, और जब आपका टाइपिंग होगा वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएंगे, जिससे आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बेहतर होगा कि आप कोचिंग पे जोर दीजिए, और कोचिंग से ही आप टाइपिंग की तैयारी कीजिए, और एक बार यदि आप टाइपिंग कर लेते हैं तो हमेशा के लिए आपका प्रिपेयर हो जाता है। और अदर एग्ज़ाम के लिए, मान लीजिए इसमें नहीं हो रहा है किसी वजह से, तो अदर एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर रहते हैं, जिससे यदि आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो अच्छे से उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो रिजल्ट को लेकर आप लोग ज़्यादा चिंतित मत होइए, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है कि CCC मांगता है, ऊपर से हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग मांगती है, तो इसके वजह से जो कट ऑफ होता है वो बहुत ही लो बनाया जाता है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, जिसके वजह से कट ऑफ नीचे ही बनाया जाता है, और इसकी वैकेंसी जो है बैकलॉग में चली जाती है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, इस वीडियो का बनाने का बस एक ही मोटिव है कि जो भी स्टूडेंट इस डाउट में है कि रिजल्ट आ जाएगा तब तैयारी करेंगे, तो तैयारी दोस्तों ऐसे नहीं होगा, क्योंकि 1 महीने 2 महीने में तैयारी नहीं होगी, क्योंकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉन्ट को लेकर चलना है।
तो इस वजह से आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। और डेली, एक तो कोचिंग के अलावा आपको डेली घर पे भी सिस्टम होगा तो उस पर भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और टेस्ट देना पड़ेगा, जिससे आपको आगामी होने वाले आपके एग्ज़ाम जो होंगे उसमें आप क्वालिफाई हो सकें। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो तैयारी कीजिए। और भी इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका उसके समाधान का निवारण किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। और किस टॉपिक पे, किसी चीज़ को लेकर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो रखते हैं, इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।